पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में मैं यहाँ आने पर आपका धन्यवाद करता हूँ। आज एक जो बैठक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्हें परिवहन विभाग का जिम्मा मिला है उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भी शामिल हुए और हमारी एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट जो है सारी बातों को सुना और ऐसे माहौल में जो बैठक हुई है आज से पहले कभी किसी भी परिवहन मंत्री के साथ नहीं हुई और इतनी पेशेंसली जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सुना और उस पर अमलीजामा बनाया उसके लिए मैं प्रदेश के समस्त निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारी सबसे जो ज्वलनशील मुद्दा ये था कि हम अपनी बस को जो चलाते हैं वो 8 साल के बाद हम अपने रूट पे नहीं चढ़ा सकते। आज 40 लाख रुपए की बस 8 साल के बाद अगर स्क्रैप हो जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। 8 साल में बैंक का कर्जा ख़त्म होता है और बहुत छोटे छोटे पहलू थे जिसका ना तो सरकार को फ़ायदा हो रहा था ना ही जनता को फ़ायदा हो रहा था, केवल मात्र नुकसान जो है वो निजी बस ऑपरेटर का हो रहा था, जिसको डिटेल चर्चा के बाद उप मुख्यमंत्री महोदय ने बोला जैसी स्थिति पहले थी 12 साल तक की उसे वैसे ही रेगुलर किया जाएगा, ये जो 8 साल वाला मुद्दा है इसको नहीं करेंगे। दूसरी बात थी कि बस परमिट के साथ जो ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने कमेटी बना के उसकी स्क्रूटनी करने की बात कही उस पर भी बड़ी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई और हमने उन्हें बताया कि 3 वर्ष पहले भी ऐसा परिवहन विभाग से आया कि हम परमिट जो है बस के साथ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमने लिखित रूप में दिया सरकार को कि आप इसकी लीगल समीक्षा कराएं। तो परिवहन विभाग ने उस टाइम के जो विधि सचिव थे उनको लिखा और हमारी भी सुनवाई की और लॉ पॉइंट पे उन्होंने लीगल एडवाइस परिवहन विभाग को दी कि अगर कोई आदमी अपनी बस के साथ अपने परमिट को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसे वो जायज़ है, जिसको उन्होंने सुनने के उपरांत उसे जो अब भविष्य में जैसे पूर्व में अगर कोई अपनी बस को परमिट के साथ स्थानांतरित करता था वो वैसे ही चलती रहेगी। उसके बाद जो HP 02 की बसें हैं उनका जनवरी 21 से लेके आज दिन तक टैक्स पे नहीं हो रहा था क्योंकि उसका एक बस का जो टैक्स है 45 से 50 लाख रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा था, लोग दे नहीं पा रहे थे। वो जब आज पूरी चर्चा हुई तो उन्होंने महसूस किया भी एक बस की कीमत 25 लाख और उसके ऊपर टैक्स एक वर्ष में 40 लाख ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने तत्काल ही प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट से कहा हमें लोगों को मारना नहीं है, फैसिलिटी भी देनी है, जो काम करता है वो भी कमाएगा तो ऐसे कैसे होगा, तो इसको बिल्कुल जो जायज़ वायबिलिटी जैसे बस की भी वायबिलिटी हो बिल्कुल जल्द से जल्द इसको अमली जमा बनाया जाए। फिर हमने एक डिमांड रखी कि अदर स्टेटों में RTO लेवल पे 01 ऑल इंडिया के परमिट स्वीकृत हो जाते हैं, हमारे जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी STA के माध्यम से होते हैं और इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, दो दो चार चार पाँच पाँच महीने कई बार बैठक नहीं हो पाती, लोग अपनी बस खरीद के खड़ी रहती है जब तक बैठक आती है स्वीकृति होती है बड़ा लंबा अंतराल हो जाता था, वो भी आज उप मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश दे दिए हैं कि ऑल इंडिया के परमिट जो है उसकी स्वीकृति उसको जारी करने की जो है पावर जो है वो RTO को देंगे और भविष्य में ऑल इंडिया के चाहे वो टैक्सी का है चाहे वो मैक्सी का है चाहे वो ओमनी बस का है वो परमिट अब RTO लेवल पे जारी होंगे, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो आज दिन तक परिवहन विभाग के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उस फैसले को आज मुकेश अग्निहोत्री जी ने लिया जिसके लिए प्रदेश के समस्त निजी बस ऑपरेटर उनके धन्यवादी हैं। मैक्सिमम मुद्दे जो है वो उन्होंने हमारी बात को सुना और महसूस किया, हमने भी अपनी बात को बिल्कुल लॉजिकली तरीके से किया, कुछ बसों की मॉडिफिकेशन है कुछ बसों की सीटिंग कैपेसिटी है, कोरोना काल के बाद बहुत से लोग जो है अपने पर्सनल व्हीकल पे चल गए चाहे वो स्कूटरी है एक्टिवा वगैरह या कोई छोटी कार है वो द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं आए, जिस कारण जो है यात्रियों का दबाव कम हो गया, तो जिन जिन रूट्स पे यात्रियों का दबाव कम हो गया है और नुकसान हो रहा है बड़ी बस चला के तो वहाँ पे जो अगर कोई लेना चाहता है कम क्षमता की बस को उसकी भी अनुमति दी जाए, जिसके लिए उन्होंने सहमति दे दी है और निकट भविष्य में वो भी हमारे को मिलेंगे। बस किराए को लेकर क्या हुआ और अब आपकी को लेकर ऐसा हुआ कि पिछली सरकार ने पहले 10 की हामी भरी फिर 7 रुपये कर दिया
और जब वो पिछली सरकार चुनाव में गई तो चुनाव को नज़दीक देखते हुए उन्होंने फिर उसको 5 रुपये कर दिया, जबकि 5 रुपये न्यूनतम कराया आज से 20 साल पहले भी 5 ही था, आज भी 5 ही है। जब बस की चैसी 10 लाख में आती थी तब भी 5 है, अब 40 लाख में बस पड़ रही है तब भी 5 है, और जब डीजल का रेट 40 रुपये था तब भी 5 था, आज 90 रुपये है तब भी 5 है। तो ऐसा नहीं है, एक मतलब सुलभ शौचालय पे भी जाए तो हम 10 रुपये देना पड़ते हैं, भिखारी भी 10 रुपये से कम नहीं लेता। और जहाँ तक 5 रुपये की बात है, 5 रुपये का सिक्का हर आदमी के पास नहीं है, अगर वो पे करने के लिए बोलता है तो 500 का नोट देता है, तो 495 रुपये एक एक सवारी को वापस करना या 195 रुपये वापस करना या 95 रुपये वापस करना वो स्वाभाविक नहीं है। तो कंडक्टर भी कहता है इतने मेरे पास पैसे नहीं, आप वैसे ही सफ़र कर जाओ, वो 5 रुपये भी जो है वो हमारे को नहीं मिल पाते थे। तो हम ये कह रहे हैं कि जब मैदानी हलकों में 12 रुपये न्यूनतम किराया है तो हमारी भौगोलिक स्थिति जो है पहाड़ी है, हमारी बसों का रख रखाव बहुत ज़्यादा है। आप देखते हो बसें जो लोकल शिमला में भी चढ़ती हैं, निगम बिहार की चढ़ाई पे ब्रेक लगा कर, ये फैसला लेना जो है वो सरकार का काम है, पर उन्होंने ये सहमति की है कि न्यायपूर्वक आपका न्यूनतम किराया जरूर बढ़ाया जाएगा। ये अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश सरकार का है, उप मुख्यमंत्री का, उन्होंने इस पर आश्वासन दिया है कि जो 5 रुपये है वो बिल्कुल गलत है और जो आप मांग कर रहे हैं उस पर विचार करके बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा ये उनके अधिकार क्षेत्र का। हम 15 रुपये की मांग कर रहे हैं क्योंकि 12 रुपये प्लेन एरियों में हमारी भौगोलिक स्थिति, हमारी बसों का रखरखाव उनकी अपेक्षा बहुत अधिक है, अंतिम फैसला सरकार ने लेना है। देखिए हिमाचल प्रदेश के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन है उन्होंने समय मांगा था हमारे से, तो आज उनको मीटिंग उनके साथ की गई है और उनके जो स्टेट वाइड जो इश्यूज थे उन पे डिस्कशन हुई और मीटिंग अच्छे माहौल में संपन्न हुई। और ख़ास तौर पे एक तो उनका ये था कि उनको एप्रीहेंशंस थी कुछ इश्यूज पे, एक तो ये था कि जो बसेस वो बेचते हैं तो और जो उसका उसके ऊपर परमिट होता है तो कहीं इसे ऐसी धारणा गई होगी या कहीं अखबारों में ऐसी बात आई होगी, इसमें ये कहा था कि 8 साल के बाद जो है बस बिकेगी परमिट नहीं बिकेगा और नीति में कोई परिवर्तन किया गया है, तो ऐसा अभी हमने कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया और वही मामला अभी तक चल रहा है। और हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम उनके कोई हितों से कोई पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं कि, और वो जो बस खरीदते हैं नई बस लाते हैं या पुरानी बस का रूट ट्रांसफ़र करते हैं उसको यथावत जो है उसी वैसे ही लागू रखा जाएगा, तो मुख्य मांग तो उनकी ये थी। दूसरा उनका तो कहना था कि कोरोना के समय में जो है के बाद से बसेस जो है पिकअप नहीं कर पा रही हैं प्राइवेट बसेस और वो सीटिंग कैपेसिटी बसों की घटाना चाहते हैं, तो हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम केस बाय केस उसका डिसाइड कर लेंगे वहाँ का स्थिति का आकलन करके कि वहाँ पे सवारी कितनी है। और थर्डली उनका ये दलील थी कि HP 02 जो है वो बसें रजिस्टर नहीं हो पा रही हैं, उनका टैक्स नहीं जमा हो पा रहा है या टैक्स इतना ज़्यादा है कि उसको पे नहीं किया जा सकता है, तो हमने उनको कहा कि हम लिबरल हो जाएंगे और इसमें एक तो ये गाड़ियां हिमाचल में रजिस्टर हों उसके हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं, क्योंकि नहीं तो सारी कोई चंडीगढ़ में रजिस्टर हो रही है, कोई दिल्ली में रजिस्टर हो रही है, बाहर की स्टेटों में रजिस्टर हो रही हैं, लंबे अरसे से ये इशू चला हुआ है, तो इसको हमने सुलझाया है कि और उसका टैक्स स्ट्रक्चर जो है थोड़ा लिबरल किया है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के तो जो भी मसले थे मुझे लगता है कि वो सेटिस्फाइड गए होंगे, और ये तो
और हम जितनी HRTC की बसें चलाते हैं उतनी ही प्राइवेट बसें हिमाचल में चलती हैं, लगभग 50-50 का बेसिस पे ही बसें चल रही हैं। और अब तो हमने उनको बताया कि हम 107 बसेस के नए रूट दे रहे हैं, नए 200 रूटों पे चलेंगी, 107 नए रूट्स हमने कैबिनेट से कर दिए हैं। 100 टेम्पो ट्रैवलर भी हमने चलाने के फैसला कर दिया, उनके रूट्स भी बहुत जल्दी तय कर दिए जाएंगे। तो जहाँ कोई रूट्स नहीं है वहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर्स चलाने का अभी फैसला हमने किया है। तो ये सारी बातें उनके साथ शेयर हो गई हैं। कुछ बसेस की बॉडीज बाहर से बन के आती हैं, उस पर टैक्सेशन ज़्यादा का लगाने की बात थी, वो भी हम, उनकी मांगे काफ़ी जेन्युइन थी और हम उन पे उनको सुलटा रहे हैं।